अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ पे रखे। मोहतरम हजरात, कल भी माशाल्लाह मैंने एक नुस्खा हजरात की खिदमत में पेश किया था और आज भी एक नुस्खा जो है आप हजरात की खिदमत में पेश करूँगा। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरी बात एक और है कि जो हजरात अभी तक शादी कोर्स की आपने वीडियो नहीं देखी तो बराए करम वो शादी कोर्स वाली जो वीडियो है वो देख लीजिए ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाएँ। और बाद हजरात जो है जो बाहर मुल्कों से आते हैं, सऊदी ममालिक से आते हैं, यूरोप से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो उनके लिए एक ख़ास नुस्खा मैंने बनाया है तो राबता कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरी आबो हवा से निकल कर अपने जो है घर आते हैं, अपने देश में आते हैं, तो इसलिए उनको दूसरे नुस्खे की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको मैंने दूसरा एक पैकेज बनाया है, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप हजरात को इंशाल्लाह मैं नुस्खा बतलाऊंगा और ये नुस्खा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छा है, तजर्बा किया हुआ है, कई बार लोगों ने तजर्बा किया, मुजर्रिब है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको लिखा हुआ है, अपनी कॉपी के अंदर भी लिखा हुआ है और बहुत पहले मैंने इसको लिखा था, 10-12 साल पहले, तो उस वक्त मैंने लिखा था, आप भी इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा अच्छा नुस्खा है। ठीक है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आपको क्या करना है देखिए, मैं इसमें देख के आपको बता रहा हूँ। ये मेथी बरियाँ लेनी है आपको 100 ग्राम, मेथी बरियाँ लेनी है 100 ग्राम लेनी है। ठीक है, तुखम करेला, करेले के बीज लेने हैं आपको, गिलो लेनी है गिलो। ठीक है, मेथी होगी और तुखम करेला, करेले के बीज और गिलो आती है, आप जानते हैं गिलो किसको कहते हैं, उसको लें। और तुखम जामुन है, दारचीनी है, सलाजीत है, ये थोड़ी महंगी होगी, सलाजीत है, और कड़वे इंदर जों। ठीक है, आड़ू की गिरी, ये जो है सारी चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें। ठीक है, 100-100 ग्राम ये सारी चीज़ें आप ले लें, मेथी, ठीक है, मेथी बरियाँ, तुखम करेला, गिलो, जामुन, तुखम जामुन और दारचीनी, सराजीत और कड़वे इंदर जों, आड़ू की गिरी, ये सारी चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए आप और इसका सफ़ू बना लीजिए, यानी कि इसको पाउडर बना लीजिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसको पाउडर बना लीजिए और खाना खाने से पहले 5-5 ग्राम सुबह शाम जब भी खाना खाएँ, खाने से आधा घंटा या 15-20 मिनट जो है पहले आप इसको ले लें 5 ग्राम। ठीक है, और बाद हजरात ये कहते हैं कि जी हम अगर सफ़र पे हैं तो कैसे करें। देखो मेरे भाइयों, सफ़र पे अगर होते हो तो अपनी दवाई गोलियां साथ लेके जाते हैं, जब आप अंग्रेज़ी दवाइयां अपने साथ रख सकते हो तो देसी दवाई क्यों नहीं रख सकते। इसको साथ रखने में शर्म लगती है क्योंकि आपके दिल में इसके वक्त नहीं है ना, तो इसलिए आप गाड़ी के साथ, गाड़ी में और जो है सफ़र में सारी चीज़ साथ रख लेंगे, कोलगेट रख लेंगे, साबुन रख लेंगे, तौलिया रख लेंगे, कपड़े रख लेंगे, लेकिन देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ नहीं रख सकते तो बड़े शर्म की बात है। तो आप इसको जो है अगर 5 ग्राम खानी, मिसाल के तौर पे आप शाम को कहीं से वापस आएंगे और लंच आपको कहीं बाहर ही करना है या जो है और डिनर भी बाहर ही करना है, तो एक छोटी सी डिब्बी लें कम से कम 10 ग्राम की और उसमें 2 खुराक रख के ले जाएँ कि भाई लंच में मैं खा लूँगा और डिनर में रात को ये खा लूँगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब पाबंदी करने पर आदमी आता तो कर लेता है और नहीं करने पर आता तो फिर सुस्त हो जाता है। ठीक है, और सुस्त का फिर मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, सुस्त का इलाज कहाँ से लाएं, सुस्त का इलाज जो है फिर ये है कि पड़ा रहे, ठीक है, और मत खाए, उसके बराबर में चीज़ पड़ी जाए जब भी नहीं खाएगा, तो आप जो है इसको नुस्खे को इस्तेमाल करें, बहुत शानदार नुस्खा। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।